गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 द नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड पेज नंबर 159। इन द प्रीवियस पार्ट यू लर्नड अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द रेडिकल ग्रुप अमंग द कांग्रेस अनकरेज्ड। तो जो कांग्रेस में रेडिकल ग्रुप था उन्होंने अनकरेज्ड किया अ लव फॉर स्वदेशी गुड्स, यानी कि हमें स्वदेशी ऑप्ट करना चाहिए। स्वदेशी मीन्स द थिंग्स विच आर मेड इन योर ओन कंट्री। नंबर टू, पार्टिसिपेशन इन मास रैलीज टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, और हमें फॉरेन गुड्स का भी बॉयकॉट करना चाहिए और जो उसमें रैलीज हो रही हैं उसमें पार्टिसिपेशन भी लेना चाहिए। ठीक है, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, यानी कि जो जॉब्स अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसे भी गिव अप कर देना चाहिए एंड गवर्नमेंट एजुकेशन को गिव अप कर देना चाहिए, और कॉलेजेस जो ब्रिटिश के बनाए हुए उनमें भी हमें नहीं जाना चाहिए, फर्दर मतलब पढ़ना नहीं चाहिए। सरेंडर ऑफ टाइटल कन्फेडरेट बाय द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश ने टाइटल्स और उपाधियां दी हैं उसे भी हमें वापस लौटा देना चाहिए। स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड फ्रॉम बंगाल टू महाराष्ट्र एंड पंजाब। जो स्वदेशी मूवमेंट था वो बंगाल से महाराष्ट्र एंड पंजाब तक फैला हुआ था। द गवर्नमेंट सप्रेस द मूवमेंट, सप्रेस मीन्स कंट्रोल। द गवर्नमेंट ने जो ये मूवमेंट था स्वदेशी मूवमेंट इसे कंट्रोल कर लिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। बट इसी टाइम पर दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता सेशन में पार्टिसिपेट किया एज अ प्रेजिडेंट, प्रिसाइड एरिया एज अ प्रेजिडेंट इन 1906। एंड एट दैट टाइम वॉज अ कॉल वॉज गिवन फॉर अटेंडमेंट ऑफ स्वराज। तो उसमें जो इनका मेन जो आवाज़ उठाई गई है जो वो थी स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट। तो कई बार क्वेश्चन आपका आ जाता है कि फर्स्ट टाइम ये स्वराज जो था वो कहाँ पे ये यूज़ किया गया। तो कई बार आता है कि कलकत्ता सेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1906 में, तो वहाँ दादा भाई नौरोजी ने इसके बारे में कहा था स्वराज के बारे में। द डिफरेंसिस बिटवीन द मॉडरेट एंड रेडिकल्स केम टू हेड ड्यूरिंग द सूरत सेशन इन 1907। देयर वॉज अ स्प्लिट इन द पार्टी एंड द टू ग्रुप्स पार्टेड वेज। द मॉडरेट्स वर लेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले एंड फिरोज शाह मेहता एंड द रेडिकल्स वर रेफर्ड टू एज द एक्सट्रीमिस्ट बाय द ब्रिटिश। दे वर लेड बाय लाल पाल एंड पाल। सो जो 19 अब के अनदर क्वेश्चन राइज हियर कि इन विच सेशन कांग्रेस वॉज स्प्लिटेड। तो वो सूरत सेशन जो हुआ था 1907 में, उसमें कांग्रेस जो थी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, मॉडरेट टू ग्रुप्स में, वन इज़ अ मॉडरेट्स अनदर वन इज़ रेडिकल्स। तो जो मॉडरेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले एंड फिरोज शाह मेहता, जो रेडिकल्स को लेड कर रहे थे वो थे लाल बाल एंड पाल। ओके, दैट मच इज़ क्लियर। डू यू नो मैनी इंडियन लीडर्स, जो कुछ लीडर्स और सपोर्टर्स थे जो बाहर से भी फ्रॉम द जो बाहर रह रहे थे, पर इवन देन देवर हेल्पिंग टू द अदर इंडियन रेवोल्यूशनरीज। उनमें कुछ लीडर्स थे जैसे लाला हरदयाल, मदन मैडम बिका जी, कामा, सरदार सिंह राणा, भाई परमानंद, वी डी सावरकर एक्सेट्रा। तो कुछ ऐसे भी इंडियंस थे जो इन सपोर्टर्स थे जो बाहर रहकर भी हेल्प कर रहे थे थ्रू मनी एंड आर्म्स। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। द ब्रिटिशर्स वर प्रैक्टिसिंग द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू वीकन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो जो उनका मेन मकसद था डिवाइड एंड रूल का वो था कि नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को वीक करने का। दे अनकरेज द मुस्लिम टू फॉर्म अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ओन। तो उन्होंने किस बात का अनकरेज किया कि मुस्लिम्स जो हैं वो डिफरेंट एक ऑर्गेनाइजेशन और सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाए। तो मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1906 बाय आगा खान, द रिलीजियस हेड ऑफ अ मुस्लिम सेक्ट एंड नवाब सलीमुल्ला ऑफ ढाका। तो जो उस टाइम पे हेड थे रिलीजियस हेड, ये जो आगा खान थे ये रिलीजियस हेड थे मुस्लिम कम्युनिटी के उसके, एंड नवाब सलीमुल्ला ऑफ ढाका, उन्होंने मुस्लिम लीग को फॉर्म किया। ओके, सो
ड्यू टू दैट मुस्लिम लीग तो कन्फ्लिक्ट होने तो अंडरस्टूड थे कि बिकॉज इट वॉज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द मुस्लिम एंड हिंदू कम्युनिटी. ओके द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट मॉर्लिम इंटू रिफॉर्म्स दैट हैपन्ड ऑन 1909. द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस मॉर्लिम इंटू रिफॉर्म्स टू पेसिफाई द मॉडरेट्स. तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने मॉर्लिम इंटू इसलिए किया था कि वो पेसिफाई होता किसी को आप काम कूल करते हो जैसे शांत करना. दे वॉन्ट टू कूल दैट मॉडरेट्स पीपल. बट क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये डिवाइड एंड रूल क्रिएट किया अब वो चाहते हैं कि इन्हें हम किस ढंग से कल शांत करें. तो उन्होंने ये मॉर्लिम इंटू रिफॉर्म्स अप्लाई किया. बट द रिफॉर्म्स डिड नॉट पे एनी हीड हीड ऑफ द अटेंशन टू द डिमांड ऑफ इंडियंस फॉर स्वराज. जो ये रिफॉर्म था इसने कोई खास रोल नहीं किया कि स्वराज के लिए. स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट के लिए. मुस्लिम्स वर ग्रांटेड सेपरेट और जो मुस्लिम्स थे उन्हें एक सेपरेट इलेक्टोरेट रिप्रेजेंटेशन यानी कि उन्हें एक अलग से अब वो इलेक्शंस उनके हो सकते थे उनके ऑर्गेनाइजेशंस में और वो अपने लिए अपने लीडर्स चुन सकते थे. द रिफॉर्म्स वॉज अ फर्दर थ्रेट टू द हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द नेशनल मूवमेंट. एक किस्म से ये एक बिगिनिंग हो गई थी नेशनल मूवमेंट में हिंदू और मुस्लिम कह सकते हो लोगों के बीच में. द मॉडरेट अपोज्ड इट एंड द स्ट्रगल फॉर स्वराज बिकेम मोर इंटेंस. अब जो मॉडरेट्स थे उन्होंने इसका विद्रोह किया अपोज्ड इस स्ट्रगल को. मतलब इट वॉज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर स्वराज. सेल्फ गवर्नमेंट अगर आपको बनाना चाहते हो तो यू नीड्स यूनिटी बोथ उस रिलीजन में मुस्लिम भी और हिंदू भी. पर सडनली मुस्लिम्स वॉन्ट्स देयर ओन सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट वॉज अ बिग स्ट्रगल फॉर दैट स्वराज. एंड वो क्या हो गया इंटेंस बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इंटेंस हो गया. होम रूल लीग. So this part we will read in the next video. That's all for now. Thank you.